नमस्ते दोस्तों। सो चलिए आज थोड़ा सा हम मेडिटेशन यानी कि ध्यान कैसे करना है बिगनिंग में उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो उसमें क्या है, दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको बैठना है, आपको सही जो है पोस्चर आपका जो है बैठने का, जिसमें आप सीधे बहुत लंबे समय तक बैठ सकें, आपका स्पाइन जिसमें जो स्ट्रेट हो। तो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे योग में बहुत सारे आसन से जो मेडिटेटिव आसनास कहते हैं, जिनको हम सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, तो अगर सिद्धासन है, अगर आपको लेकिन बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, आपकी नींव या घुटनों में दर्द है, तो आप चेयर पर भी बैठ के ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको कंफर्टेबल पोस्चर ढूंढना है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर आपकी बॉडी इस तरह पीछे की तरफ अगर झुकती है, तो आप कोई एक कुशन या इस तरह का जो बोल्स्टर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए, तो बोल्स्टर पर बैठने से क्या होता है, आपका जो बॉडी है ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रेट हो गया, आपका स्पाइन भी सीधा हो गया, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। प्रॉप्स की वजह से आप ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है एक लाइन में हो गई है। सेकेंड चीज़ है, जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि अभी हम जब हम आंखें बंद करेंगे तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो चित्त है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब आंखें खुली होती है तो देखने को बहुत कुछ होता है, आंखें बंद हो जाती है तो हमारी दुनिया जो बाहर की है वो ख़त्म हो जाती है, वो अंदर की दुनिया में चले जाते हैं। और ट्रस्ट में, अंदर की दुनिया जो है वो बाहर की दुनिया से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज हमारे जो थाट्स है वो अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया में कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता। और थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको रिप्लेस कर सकते। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, शुरुआत में आप जब मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो जो उल्टी गिनती है, फर्स्ट टेक्निक है कि उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए 100 से लेके 1 तक, और वस्ता इन बिटवीन आप फिर खो जाओ और कहीं दुनिया में आप 10 साल पहले किसी दोस्त के पास पहुँच जाओ, आप वापस आ जाइए, वापस से 100 से शुरू करके 1 तक जाइए। पहला तो टेक्निक है। सेकेंड में आप कर सकते हैं कि जो हमारे नेचर में इतनी आवाज़ है, इतने बर्ड्स हैं, चिड़िया है, आप उनको सुन सकते हैं जब आंखें बंद करेंगे, तो वहाँ अपना दिमाग ले जा सकते हैं। तीसरी चीज़ है अपना ब्रीदिंग, जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सांसें ऐसी चीज़ है कि 24/7 आपके साथ ही रहती है। तो आप ब्रीदिंग को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप आंखें बंद करके बैठेंगे, आप देखिए जब इनहेल करते हैं तो आपका टमी बाहर जाता है, फिर आप एक्सहेल करते हैं तो आपका टमी नीचे आता है। इट्स अमेजिंग, यू नो, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें आप काउंटिंग भी ऐड कर सकते हैं कि 2 पे इनहेल किया, 2 पे एक्सहेल किया, जो भी है आपको जिस तरह से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसको काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, होता क्या है ना कि ये जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, ये बिगनर्स लोगों के लिए शुरुआत, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया। जब आप हायर लेवल पर पहुंच जाते हो, जो हमारे साधु और ऋषि लोग जो है उनको, वो जब मेडिटेशन करते हो ये सब टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका जो चित्त है वो एकदम एकाग्रचित्त हो जाता है, एंटी माइंड हो जाता है, उनके दिमाग के थॉट्स। लेकिन वो वहाँ पहुँचने के